साथ आपका स्वागत है। आयकर विभाग की चपेट में आ गया है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। आयकर विभाग ने मंदिर प्रशासन को करीब 3 करोड़ के हिसाब देने के लिए कहा। नोटिस के बाद मंदिर प्रशासन सकते में है। साल भर में देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु महाकाल मंदिर में होने वाली इस भस्म आरती के लिए जुटते हैं। रोज सुबह इसी तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगता है भक्तों का तांता। पिछले साल उज्जैन में हुए सिंहस्थ कुंभ में यहां भक्तों की रिकॉर्ड संख्या जुटी, लेकिन साल 2016-2017 में हुई आय का हिसाब गड़बड़ा गया है। आयकर विभाग ने मंदिर को नोटिस भेजकर 2,86,00,000 रुपए का हिसाब मांगा है। महाकाल मंदिर प्रशासन में इस नोटिस के बाद हड़कंप मचा है, क्योंकि मंदिर को पहली बार आयकर का नोटिस मिला है। मंदिर प्रशासन जवाब देने के लिए अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर रहा है। ये सब इसमें हम अपने CA से बात करेंगे और वो देख हो जाएगा। ये एक सामान्य सी बातें हैं जो आपका किसी हो सकता है कोई फॉर्म भरने की कोई दिक्कत हो। आजकल कई चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ये भी हो सकता है कि 2 दिन डिले वो फॉर्म भरा गया हो। बहुत सारे महाकाल मंदिर हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। मंदिर को नियमित चढ़ावे के अलावा पेट दर्शन से भी करोड़ों की आमदनी होती है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।